तेरहवीं राशि एक कौतूहल का विषय है कि अभी तक से 12 राशियां होती थी, अब तेरहवीं राशि की खोज हुई है। इसकी प्रथम खोज अमेरिका में हुई है। अमेरिका में 1913 में इस संबंध में शोध कार्य किया गया, जो वहाँ के आर्कोलॉजिस्ट वो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका एक समूह है, उन्होंने इस राशि पे खोज की और उन्होंने यह बताया कि तेरहवीं राशि भी होती है। उसका नाम है सर्पशीर्ष, अंग्रेजी में उसको कहते हैं ऑफियोकस। इस प्रकार से तेरहवीं राशि की अनुसंधान हुआ और ईश्वर में ज्योतिषों में अभी भी ये बहस हो रही है, इसमें गर्मागर्म चर्चा हो रही है। और ये चर्चा होने के बाद आने वाले समय में, भविष्य में, ये तेरहवीं राशि स्थापित हो जाएगा और वो छत्तीसगढ़ में भी यहाँ प्रयुक्त होगा। अब यह बात है कि तेरहवीं राशि है क्या। ये है सर्पशीर्ष, सांप का सिर। सांप का सिर वैसे जो खोज के अनुसार ये 12वें स्थान पे है और 13वें स्थान पे धनु को का बताया गया है। तो 12वें स्थान का भाव इसमें जगता है और इसमें जातक को ये सर्पशीर्ष जो है, एक प्रकार से जैसे काल सर्प योग की बात करते हैं लोग, तो काल सर्प योग से लोग दशक में रहते हैं, डराते हैं कि आप काल सर्प योग है, काल सर्प है, योग है, आपके द्वारा अनुष्ठान कराना पड़ेगा और इस प्रकार से आपकी मुक्ति होगी। किंतु ऐसी बात नहीं है। सर्प जो है अपने आप में एक राशि है और यह मनुष्य को एक शांति प्रदान करती है ये राशि, और इससे देखने से उसको महसूस होता है, क्योंकि यह एक राशि सर्प जो है वो हमारे जीवन का एक अंग है। समझ ले हमारे समाज में है सर्प, हमारे साथ शिव जी के गले में है, हम सर्प की पूजा करते हैं नागपंचमी को। इस प्रकार से सर्प हमारे जीवन का एक अंग है और हम उसको एक राशि के रूप में, प्रैक्टिकल रूप में स्वीकार करते हैं। मनुष्य के जीवन में सर्प एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। इस प्रकार से हम इसको एक राशि के रूप में यदि स्वीकार करते हैं तो तेरहवीं राशि ज्योतिष में ये मत हो जाएगा। और रहा सवाल इसका कि ज्योतिष अभी कुछ जैसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कोई अब धीरे धीरे इस अनुसंधान पर काम चल रहा है, आने वाले भविष्य में ये तेरहवीं राशि स्थापित होगी।